नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि उत्तराखंड में हम लोग का घर बन रहा है और 15 दिन बीत चुके हैं हमारा घर बनते हुए। फाउंडेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। आज है 16वां दिन। प्लिंथ बीम का काम हो गया है, प्लिंथ बीम की ढलैया हो गई है। ये हमारा सोक पिट का जो गड्ढा था उसकी छत पड़ गई है और आज हम लोग आए हैं सुबह सुबह। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रखा है, यहाँ पे हल्के हल्के बादल हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहाना और ठंडा मौसम है। आज 17वां दिन और आज भी काफ़ी सुहाना मौसम है। पापा आ गए, बढ़िया कुर्सी उर्सी लगा लिए हैं। और ये मिस्त्री खोलने जा रहे हैं शटरिंग कॉलम्स की, तो देखते हैं कॉलम्स कैसे कास्ट हुए हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कास्टिंग हुई है। कहीं से भी गिट्टी नहीं दिख रही है, एकदम स्मूथ फिनिश आया है। और ये देख सकते हैं आप, नाशपाती के पेड़ में कितने ही बेहतरीन फूल आए हैं। पूरा एकदम फूलों से लता हुआ है नाशपाती इस बार। ये देखिए, ये हमारे प्लॉट के पास में ही जंगल है, चारों तरफ हरियाली। और ये यहाँ से बरसात के समय पानी भी आता है इधर से, और इस साइड से भी पानी आता है। गदेरा है, ये पहाड़ी भाषा में गदेरा बोलते हैं। यहाँ दो पहाड़ ऐसे मिलते हैं, ऐसे देख सकते हैं, एक पहाड़ इधर का है, एक पहाड़ ये इधर है, तो ये मिलते हैं, तो बारिश का पानी ऐसे होते हुए आगे बढ़ जाता है। उसी तरीके से इधर भी है, इसी तरीके से इधर भी है, दो पहाड़ यहाँ पे भी मैच कर रहे हैं, तो इनका पानी ऐसे होकर के आता है। कैसा लग रहा है यहाँ का नज़ारा, मस्त एकदम, बहुत ही अच्छा जंगल, शांत वातावरण है एकदम। बैकग्राउंड में आप चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं। सुना ना, इतना पीसफुल है, एकदम माइंड को रिफ्रेश कर देने वाला साउंड है। ये सुकून और ये शांति आपको शहरों में नहीं मिलेगी। शायद अगर आप थोड़ा जल्दी उठ जाते हो सुबह सुबह और किसी गार्डन या पार्क में चले जाएंगे तो शायद आपको सुनने को मिल जाए इस तरीके का। मगर यहाँ पहाड़ों में 2400 घंटे सुकून ही सुकून है। अब हमारा प्लॉट जो है यहाँ पे इस पहाड़ी के बगल में ही है, तो काम चलता रहता है, वहाँ पे अपना काम भी देखते रहते हैं, और जब भी मन करता है अपना घूमते टहलते चले जाए यहाँ पे, कुछ देर बैठ लेते हैं, रिलैक्स हो जाता है, माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, अभी कॉलम्स खड़े हो रहे हैं और जहाँ तक उम्मीद है एक दो दिन में ब्लॉक का काम भी स्टार्ट हो जाएगा, साथ के साथ चिनाई भी स्टार्ट हो जाएगी, और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रक्चर छत पड़ जाएगी, तो देखने में समझ में आने लगेगा कि हाँ कैसे है, क्योंकि अभी तक तो केवल फाउंडेशन का ही काम चल रहा था, तो आप लोगों को पिछले 3 वीडियोस में कुछ समझ में तो ढंग से नहीं आया होगा कि क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, मगर अब ठीक लगेगा देख करके। व्यू बहुत ही अच्छा है वहाँ से, सामने ओपन व्यू दिखता है, 360 पहाड़ियाँ दिखती हैं, बहुत ही पीसफुल और काम जगह है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि ये जो रोड है हमारी थोड़ा सा मेन रोड से कट के है गाँव में 3 किलोमीटर, तो ट्रैफिक बहुत कम रहता है, शांत है, कोई गाड़ियों की चिक चिक नहीं, कोई साउंड नहीं,
शांत, भीड़ भाड़ कम है। भीड़ भाड़ से भाग के तो हम यहाँ आए हैं, तो इसलिए मुझे तो अच्छा लगता है। बस अब बन जाए अपना ठिकाना यहाँ पे, तो उसको धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलप करेंगे। थोड़ी देर बैठ जाता हूँ आराम से, थोड़ा मेडिटेशन कर लूँ, बहुत सुकून मिलता है यहाँ। चल के देखते हैं कैंपिंग के लिए कोई बढ़िया सी लोकेशन यहाँ मिलती है। चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है, देखिए चढ़ाई। यहाँ से इधर का नज़ारा सामने का, चलते हैं ऊपर। ज़रा ऊपर तो जगह दिख नहीं रही कहीं। सब जगह ढाल है, कहीं भी फ्लैट जगह नहीं दिख रही। और टेंट टेंट पिच करके कैंपिंग करने के लिए फ्लैट जगह तो चाहिए ही, नहीं तो टेंट कैसे पिच करेंगे। ओह थकान हो गई। ये देखिए ये काफल का पेड़ है, इसमें छोटे छोटे काफल लग भी रहे हैं, दिख रहे होंगे ये। ये भी काफल है, ये भी काफल है, काफ़ी पेड़ है यहाँ काफल के। दूसरी साइड चलता हूँ कहीं, इधर तो जगह मिली नहीं। मगर ट्रैक बहुत ही सुंदर है, मज़ा आ गया। थोड़ी बरसात अगर रहेगी और पानी चलता रहेगा तब तो और मज़ेदार हो जाएगा। बरसात के सीज़न में दिखाएंगे आप लोग को यहाँ का नज़ारा, मस्त वाला एकदम। एक लोकेशन वहाँ पे कुछ दिख रही है, एक यहाँ ऊपर कुछ लग रहा है कि थोड़ा फ्लैट सा है। एक बार चल के देखता हूँ कैसा है। अरे वाह, ये तो लग रहा है जैसे मकान बनाने के लिए नींव बना रखी है पूरी। बढ़िया है, टेंट लगा सकते हैं इसमें। तो एक लोकेशन ये हो गई, एक लोकेशन मैंने पहले देख रखी है, तो हो गई दो लोकेशन। अब चलते हैं
यहाँ पे भी थोड़ी जगह ठीक ठाक सी है, यहाँ भी टेंट पिच हो सकता है। जब यहाँ आऊँगा कैंपिंग करने के लिए तो थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगा इस जगह को। तो अब चल रहा हूँ नीचे। उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रैक बहुत पसंद आया होगा। आज 18वां दिन और कॉलम्स की कास्टिंग चल रही है। नीचे नीचे की 4 फीट की कास्टिंग हो चुकी है, अब उसके ऊपर फर्मा लगा करके कास्टिंग की जा रही है ताकि 8 फीट की कास्टिंग हो जाए। फिर उसके बाद 1 फीट बचेगा तो फिर 1 फीट की अलग से कास्टिंग की जाएगी। टोटल 9 फीट की पिलर्स बनेंगे। और आज है 19वां दिन और ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास ए सी ब्लॉक्स आ गए हैं और उनको उतार रहे हैं सभी लेबर मिल कर के। आज है 20वां दिन और आज मिस्त्री लेबर की छुट्टी है। उन लोगों को कुछ काम था इस वजह से छुट्टी कर ली है। तो आज हम दोनों लोग निकल पड़े हैं बाइक की सवारी करते हुए और जाएंगे अपने प्लॉट पे। बहुत ही ज़रूरी काम है वहाँ पे, तो आइए देखते हैं क्या काम है। तो हम लोग प्लॉट पे आ गए हैं और ये देखिए जो पिलर बने हुए हैं उसको पानी दे रहे हैं पक्का करने के लिए। आज मिस्त्री लोग नहीं आए थे, आज जो मिस्त्री थे वो कहीं रिलेशन में चले गए हैं अपने। तो आज हम लोग प्लॉट पे आए हुए हैं और पानी दे रहे हैं पिलर्स को जो भी हैं सब, ताकि थोड़ी मजबूती आ जाए। ताकि थोड़ी मजबूती आ जाए। ये तो बेसिक चीज़ें, ये तो सभी लोग को पता ही होगा। हमारा ये नहीं पता होगा ना कि पहाड़ों में पानी कितनी दिक्कत है। हाँ, तो ये देखिए ये कितने लीटर की टंकी पचास 500 लीटर की है। अब सोचो हम लोग को पानी खरीदना पड़ता है। खरीद करके पानी की तराई की जा रही है। कैसे पानी मिल रहा है? 75 पैसे लीटर। तो भाई कितना महंगा सोचिए यहाँ पे पानी है अभी। हालांकि जो स्रोत वगैरह पानी का जो कनेक्शन है वो नहीं लगी हुई है, जब लग जाएगा तो उतनी दिक्कत नहीं होगा। तो घर बनने के बाद कुछ यहाँ से नज़ारे आपको इस तरह से दिखेंगे, एकदम अल्टीमेट नज़ारों के साथ हमारा घर बन रहा है। आज है 21वां दिन और हम लोग आ गए हैं सुबह सुबह अपने प्लॉट पे। आज अभी काफ़ी खिली खिली धूप निकली हुई है, सुबह से ही धूप है और लग रहा है पूरे दिन धूप ही रहेगी। ये देख सकते हैं ब्लॉक्स की चिनाई स्टार्ट हो चुकी है, 1 दिन की चिनाई हुई है अभी। ये बेडरूम की बैक साइड की दीवार है और ये है बाथरूम की बैक साइड की दीवार। पापा बैठ गए बढ़िया चेयर लगा के। यहाँ पे कुछ नेपाली वर्कर्स आए हुए हैं, उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ है। अब आज है 22वां दिन और ये देखिए चिनाई का काम चल रहा है। धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा और ये जो खिड़की और दरवाजे की चौखटें बन करके आई हैं वो सब यहाँ पे रखा है। अब इनको भी पेंट करना है धीरे धीरे। ये सारे ब्लॉक्स अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आने लगा है। और ये है 23वां दिन, काफ़ी भारी दिन होने वाला है। ये धूप काफ़ी खिली हुई है और मैं लग गया हूँ पेंट करने में। सारी खिड़कियों को, दरवाजों को, सारे चौखटों को प्राइमर कर रहा हूँ। शिवराज भी मेरे साथ लगा हुआ है क्योंकि वो मानता तो है नहीं। तो हम दोनों लोग बढ़िया पेंट कर रहे हैं। आज है 25वां दिन, बीच में कुछ छुट्टियां हो गई थी
मिस्त्री लोगों की, इस वजह से काम हुआ नहीं। आज है 25वां दिन और ये देख सकते हैं अब तक इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ है। लगभग 6.5 फीट की दीवारें दरवाजे के बराबर काफ़ी हद तक हो गई हैं, कुछ पोर्शन में अभी रह गया है। ये वाली खिड़की अभी जाम करना बाकी है। ये सब जो है बे विंडोज़ हैं, काफ़ी भारी हैं, तो इसको लगाने के लिए अलग से पहले इसका प्लेटफॉर्म कास्ट किया जाएगा, उसके बाद ये लगेंगे। ये बाथरूम की चिनाई 6.5 फीट की हो गई है, इसी के ऊपर इसका छत डल जाएगा, तो 6.5 फीट पे छत हो जाएगा, उसके ऊपर हमको 3 फीट की स्पेस मिल जाएगी स्टोरेज के लिए। ये अपना मेन डोर है और ये एक विंडो लग गई है यहाँ पे। और धीरे धीरे 30 दिन हो गए हैं हमारा काम, कंस्ट्रक्शन का काम होते हुए, तो 30 दिन के बाद देख सकते हैं कि अभी कितना काम हो पाया है। ये देखिए बे विंडो के लिए यहाँ पे कास्टिंग हो गई है, प्लेटफॉर्म इसका बन गया है। और ये रही उसकी खिड़की जो यहाँ पे लगेगी। और ये देखिए किचन है, किचन का सेल्फ भी यहाँ पे ढलैया हो गई है, कास्टिंग हो गई है उसकी भी। ओपन किचन है अपना। और ये जो दूसरी बेडरूम में जो बे विंडो है वो ये रही, और इसका भी जो है प्लेटफॉर्म कास्ट हो गया है। तो जल्दी ही आने वाली वीडियोस में आपको दिखेगा ये खिड़कियाँ लग जाएंगी, देखने के लगने के बाद देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन लुक देता है, उस पर आराम से बैठ करके आप नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस आगे दिखाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, राधे राधे।